हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो अभी हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। मैं, पापा जी और अंशु और एक भैया है, वो जा रहे हैं। तो अभी चल रहे हैं नीचे। पापा जी ने खाना खा लिया होगा, हम लोगों ने भी खा लिया, फिर निकलते हैं हम। चलो यार वही। हाँ, आज पापा का काम कर रहे हैं। आज पापा होते तो आज पापा सब कुछ संभाल लेते। आज पापा नहीं है तो लोग कैसा कैसा फायदा उठा रहे हैं हमारा, है ना? गंदे तरीके से फायदा उठा रहे हैं गंदे लोग। कोई बात नहीं, मम्मा है ना, मैं मम्मा भी हूँ तो सारे काम मम्मा करेगी, तभी अकेली जीवन काट पाएंगी, नहीं तो ऐसे लोग नहीं काटने देंगे। चलो हल्का की भी डाल देती है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? पहले पुदवाली जाएंगे, फिर पापा जी आप वकील से बात कर लेना शाम को। हाँ, शाम को। तो फिर उनको तारीख करने यहाँ शिवपुरी आना पड़ेगा ना, भरतपुर से। हाँ, तभी तो वो, हाँ, बोलने से पहले वो तभी तो सोचा करेंगे कि किसी के बारे में बोलते हैं तो फिर क्या होता है उसका नतीजा, पता भी चलना चाहिए उनको। गांव में अलका पहुंची थी। हाँ, गांव में जब अलका पहुंची थी तो ये खुद ही कह रही थी मुझे रेखा ने भेजा। हाँ, और वो कोई उसमें नहीं आई थी कि दुख में शामिल होने आई हूँ। हाँ, वीडियो बनाने के लिए उन्होंने वीडियो बनाई थी घर तक आने की, फिर घर में नहीं बनाई उन्होंने। मैंने घर में घुसने नहीं दिया ना, मैं अपने पास ही बैठा लिया। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी हेल्प की। समझा देंगे, इससे कोई समस्या का हल थोड़ी ना। हाँ, तो दे देंगे। हाँ सर, आप बढ़ रहे हो अपनी काबिलियत तो। और सर मैं तो ये कह रही हूँ, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, जैसे मैं आपके पास आई हूँ, वो आपके पास आए, अगर ऐसा मैं कुछ कर रही हूँ, उनका माइंडसेट ये है, तो वो आपके पास आए, मेरे प्रूफ रखे संबंधित थाने पे जाएं। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ सर। थैंक यू सो मच। ये दोनों जो रेखा और अलका जी दोनों है ना, ये उस दिन भी मेरे बेटा जब एक्सपायर हुआ था, ये अलका वहां आई थी, और ये रेखा क्या नाम भी मेरे सामने ले रही थी कि मुझे रेखा ने भेजा है। भाई आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग, अब बहुत हो गया। आप मेरे ऊपर, बहू के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों को मारने का लांछन लगा रहे हैं। क्या कोई ऐसा दुनिया में ऐसा कोई परिवार होगा क्या ऐसा? मुंह से कुछ भी तू बक देती है। अभी तक मैं सोच रहा था तू रिश्तेदार है, लेकिन तुम उस लायक नहीं हो, कोई रिश्तेदार नहीं है। और काय के रिश्तेदार? मैं तो आज तक मिला ही नहीं हूं तुझसे, काय का रिश्तेदार है तू? यहां वीडियो में डाल रही है मेरे सास ससुर मेरे साथ रह रहे हैं, तेरे को शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? है? मेरी अभी मेरी दीदी से बात हुई, तूने उनको घर से निकाल दिया, उसके घर में कब्जा करके, और तू पूरे अपने मायके वालों को साथ लेके रह रही है उसमें। अब ठीक है, दाल कुछ इतना वीडियो डालेगी, आज मैं पुलिस अधीक्षक को और कोतवाली में तो तेरा वो जो पूरा दे आया हूं, और अभी कोर्ट में भी तेरे को यहीं बुलाऊंगा। ज्यादा तू इतनी ज्यादा ऊपर चढ़ रही है ना, अरे डिवोर्स तेरा हो रहा है तो तू या तू दोषी होगी या तेरे घर वाले दोषी होंगे, हम तो नहीं है ना। हम तो मिले ही नहीं है तुझसे, शादी के बाद मिले ही नहीं है आज दिनांक तक, और तू भरतपुर में रह रही है, हम शिवपुरी में रह रहे हैं, हम तेरे यहां क्या क्या बिघ्न डालेंगे? ठीक है, अब तू जो कर, अब तुझे यहां कोर्ट में और जब मैं घसीटूंगा जब तो तुझे पता चलेगा। ये वीडियो जो आप लोग बना रहे हो, एक अलका है वो बना रही है, एक ये तू है रेखा, और तुम दोनों आपस में रिश्तेदार हो या फिर दोनों फ्रेंड हो? मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं, तुम सबको कह रहा हूं, तुम्हारे पास जो भी सबूत हो, जो भी हो, सब आप बाईडी पर डालिए। जहां आपको जाना है, पुलिस में जाना है, कोर्ट में जाना है, आप जाइए, मेरी तरफ से खुली छूट है आपको। लेकिन ये कंट्रोवर्सी जो आप कर रहे हो रोजाना, अरे तेरा तलाक चल रहा है, हमारा क्या उससे क्या लेना देना? अब तू उस चीज को खुद सोच, तू औरत है, तू एक कि तेरे तलाक में तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, मेरे तो दोनों चले गए ना,
उसकी माँ से पूछो, मुझसे पूछो, बहू से पूछो, उनकी बहनों से पूछो, हम पे क्या गुजर रही है। और तू ये व्यूज के लिए लड़ रही है, अपने घर में सान रही है हमको। वीडियो देखा, उसमें वो क्या क्या बोल रही हैं कि मतलब मेरे पर, मतलब मेरे परिवार वाले मेरी मतलब हत्या करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। अगर ऐसा होता तो अभी तक हो चुका होता ना। मतलब जिसके साथ आप गुजर चुकी है, मतलब स्नैपी गर्ल जो है सपना चौधरी, उनके साथ जो चीज़ गुजर चुकी है वो आप लोग नहीं देख रहे हैं। मतलब उनके बैक टू बैक दो हस्बैंड के साथ मतलब डेथ उनका हो चुका है। मतलब थोड़ा भी आपको शर्म नहीं है? अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो शर्म तो कर लो। इस तरीके से किसी के भी बच्चे के बारे में, किसी के ऊपर इतना गंदा गंदा वीडियोज़ आप लोग बना रहे हो सिर्फ और सिर्फ वायरल होने के लिए। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मतलब काफ़ी अच्छे जाने पहचाने वेल एजुकेटेड हैं, वो भी व्लॉग्स बना रहे हैं। मतलब कि क्या यार, मतलब कुछ भी, मतलब एक तरफ आप हेल्प भी करती हैं, एक तरफ आप हेल्प भी करती हैं। जब उनकी डेथ हुई थी राजवीर जी की, तो आप वीडियोस बनाई थी कि राजवीर जी की जो है डेथ हुई थी वो एक्सीडेंटल थी, और अब आप ही वो बात बोल रही हैं कि नहीं 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 एक्सीडेंटल नहीं थी, उनका हत्या करवाई गई है, उनके नाक का जो पाइप था वो निकाल दिया गया था। मतलब एक वाइफ ऐसा करवाएगी सच में? मतलब आपको शर्म नहीं आ रही है कि ऐसे बोलते हुए कि एक वाइफ ऐसा करवाएगी? मतलब उनका बच्चा है यार, उनकी फैमिली है, कुछ तो शर्म करो। उनके सास ससुर भी वीडियोस देखते हैं, क्या बोलेंगे उनके ऊपर? मतलब आप लोग तो उनको जीना ही जीने ही नहीं देना चाहते हो, उनको आप लोग जीने ही नहीं देना चाहते हो। उनको जीने दो और आगे बढ़ने दो, और अपने अपने वीडियोस बनाओ ना। अगर कुछ भी ऐसा बात है तो आप लीगली बात करो। इस तरीके से YT पे आकर के किसी के करैक्टर पे बात करना बहुत ही गंदा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग लीगली बात करो, नहीं तो आप लोग किसी के करैक्टर के ऊपर ऐसे नहीं वीडियोस बना सकते हो। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है वीडियोस देख करके कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं, और खासकर लेडीज़ होती हैं जो एक लेडीज़ की मजबूरी नहीं समझ रही हैं और उसके ऊपर ऐसा ऐसा वीडियोज़ बना रही हैं। तो अगली बार नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगी, जितने भी लोग हैं ना जो ऐसा ऐसा वीडियोस बना रहे हैं, मैं उनके स्क्रीनशॉट भेजूंगी विद फोटोज कि यहाँ पे कितने गंदे गंदे, कितने बड़े 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 लोग हैं जो इस तरीके के वीडियोस बना रहे हैं। तो फिलहाल अभी इतना ही रखती हूँ मैं वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।